हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं चलो चले खाओ पियो व्लॉग्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मंचाओ सूप स्पेशल एडिशन। सो फ्रेंड्स, वेज मंचाओ सूप स्पेशल एडिशन बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में पानी ऐड करना पड़ेगा। मैंने इसमें 500 ml पानी यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। सो स्टॉक बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। पहले हम पालक डाल देंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। सो पालक डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे पत्ता गोभी और गाजर, ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, फ्रेश फ्लेवर देगा ये। सो अब हम ऐड करेंगे इसमें चॉप जिंजर गार्लिक, ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। सो अब हम इसे 20 मिनट तक कुक कर लेंगे, जितनी भी सब्जियां वो अच्छे से कुक हो जाएंगी और जो भी फ्लेवर होगा वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा पानी में। 20 मिनट के बाद हमारी वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो चुकी हैं और अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे और इसको स्ट्रेन करने के बाद हमारा स्टॉक बनकर रेडी हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप हमारा स्टॉक। सो फ्रेंड्स, अब हम कढ़ाई में तेल ऐड कर लेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें पत्ता गोभी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम फूल गोभी ऐड कर देंगे और इसको भी सोते कर लेंगे। अब ऐड करेंगे हम जिंजर गार्लिक चॉप। अब हम इसमें गाजर ऐड करेंगे, थोड़ी सी चिल्ली, मैंने एक ही काट कर रखी थी, और थोड़ा सा प्याज। और अभी जो खुशबू आ रही है इसकी, वो एक नंबर की आ रही है। सो अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। ये लास्ट में इसलिए डाली क्योंकि ये पहले डाल देते तो पक जाती, इसलिए लास्ट में डाली, ये जल्दी ही पक जाती है इसलिए। ये हमने जो स्टॉक से निकाल के रखा हुआ था वेजिटेबल्स, वो हमने फिर से ऐड कर दिए हैं क्योंकि हमें वेस्टेज नहीं करने का है। इन वेजिटेबल्स को भी हम हल्का हल्का सोते कर लेंगे। सो जो हमने स्टॉक बनाकर रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। सो अब एज पर टेस्ट हम सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें, अजीनोमोटो ऐड कर लेंगे अब इसमें। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा टमाटो केचप, थोड़ी सी चिली सॉस, थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा सोया सॉस एज पर कलर। अब इसमें ऐड करेंगे हम कॉर्न स्टार्च, जिसे हमारा रोट भी बोलते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे काले मिर्च पीसे हुए। अब 5 मिनट के लिए कढ़ाई को कवर कर देंगे और सूप को बॉयल होने देंगे। सो फ्रेंड्स, जब आपको लगे कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ठीक हो चुकी है, तो आप इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो आप भी बनाएं और मुझे कमेंट सेशन में बताएं कि इसका टेस्ट कैसा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।